वेलकम टू श्रुति स्वीट स्पेशल। आज हम बनाएंगे बच्चों के फेवरेट वेज पनीर रोल। इसे आप ब्रेकफास्ट में या बच्चों को लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं। तो फिर चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पास में रहे बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए ताकि आपको मेरे सारे नए वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो सबसे पहले हम आटा गूंद लेंगे, उसके लिए मैंने यहाँ पे 1 कप गेहूं का आटा और 1/2 कप मैदा लिया है। अब उसमें 1/2 चम्मच नमक डाल देंगे और 1 चम्मच तेल डालकर सबको पहले मिक्स कर लेंगे। अगर आपको मैदा पसंद नहीं है तो आप सिर्फ गेहूं का आटा भी यूज कर सकते हैं। अब उसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के आटा गूंद लेंगे। अब हमारा आटा गूंद के रेडी है। अब इसमें 1 चम्मच तेल डाल के वापस से गूंद लेंगे। इसको ढककर 15 से 20 मिनट तक रेस्ट दे देंगे। तब तक हम उसके लिए स्टफिंग तैयार कर लेंगे। उसके लिए मैंने यहाँ पे 1 चम्मच तेल लिया है। तेल गरम हो जाए तब उसमें लाल, पीली और हरी शिमला मिर्च डाल देंगे। सभी शिमला मिर्च मैंने 2 बड़े चम्मच ली है और 1 बड़ा चम्मच गाजर भी डाल देंगे। सबको अच्छे से मिक्स कर देंगे। गैस का फ्लेम हमें मीडियम ही रखना है। अब इसको ढककर 5 मिनट तक पकाएंगे। अब हम देख लेते हैं सब कुछ अच्छे से पक गया है। अब उसमें 1/2 टमाटर डाल देंगे, उसको मिक्स कर देंगे। हम इसकी फ्रेंकी बनाने वाले हैं, तो आप इसमें अपनी मनपसंद सब्जियां भी डाल सकते हैं, जैसे कि कैबेज, स्वीट कॉर्न या मटर। इससे बच्चे सब्जियां भी आसानी से खा लेंगे। अब उसमें 1/4 चम्मच नमक डाल देंगे। अभी सब कुछ अच्छे से पक गया है। अब हम उसमें मसाले कर देंगे। 1/2 चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, 1/2 चम्मच धनिया जीरे का पाउडर और 1/2 चम्मच गरम मसाला डाल के मिक्स कर लेंगे। गरम मसाला डालना ऑप्शनल है। लास्ट में उसमें लंबा कटा हुआ पनीर डाल देंगे। अब ये स्टफिंग रेडी हो गया है। इसको हम 5 मिनट तक ठंडा होने देंगे। अब इस स्टफिंग को मैंने बाउल में निकाल लिया है। अब उसमें 2 चम्मच केचप डालेंगे। रोटी तैयार कर लेते हैं। हम आटे को फिर से गूंद लेंगे ताकि थोड़ा सा नरम हो जाए। हमारा आटा गूंद के रेडी है। अब हम उसमें से लुइया बना देंगे। अब एक लुई को मैदे में डस्ट करके बेल देंगे।
रोटी को ज्यादा पतला नहीं बेलना है, इसी तरह रखना है। उसके ऊपर थोड़ा सा मैदा डस्ट कर देंगे। हम इसी तरह दूसरी रोटी भी बना लेते हैं। तवे को मैंने पहले से ही गरम करने रख दिया था। अब मैं उसके ऊपर रोटी डाल दूंगी। जब रोटी थोड़ी सी लाल हो जाए तब उसके ऊपर थोड़ा सा तेल डाल के दोनों साइड से सेक लेंगे। अब तेल की जगह बटर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। इसी तरह दूसरी रोटी को भी सेक लेंगे। अब हम चलते हैं हमारी फाइनल प्रोसेस पे। तो सबसे पहले रोटी पर थोड़ा सा मेयोनीज स्प्रेड करेंगे, उसके ऊपर बनाया हुआ स्टफिंग रखेंगे। लास्ट में ऊपर थोड़ा सा चीज डालेंगे। आप उसकी जगह चीज स्लाइस का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अभी हम इसको इसी तरह दोनों साइड से फोल्ड करेंगे। और इसको फॉइल में रैप कर देना है। तो ये हमारा पनीर रोल तैयार हो गया है। इसी तरह हम दूसरा रोल भी बना लेंगे। अब सभी रोल तैयार करके फिर से तवे पर बटर डाल के सेक भी सकते हैं। तो ये हमारे टेस्टी एंड टेंगी वेज पनीर रोल तैयार हो गए हैं। आप ये रेसिपी अपने घर पे जरूर से ट्राई करना। स्पेशली बच्चों को तो ये ज्यादा ही पसंद आने वाली है। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।